अच्छा इधर आ गया। अरे हट जा, ब्रेक नहीं आ रहे, ब्रेक नहीं आ रहे, हट जा। ये लगा दो, बस 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 बस। जगह कितनी बगल में देखना। अरे कम है, मत डालना मत डालना। अरे मैं देख रहा हूँ ना। नहीं डाला, पहुँच जाएंगे यार। पक्का? अरे नीचे को चले जाएगा टायर। अरे निकाला चले जाएंगे भाई। बोल रहा है ये आ गया, वहाँ ही कॉल है। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक रघुवंशी फिर से अपने चैनल सफारी एक्सप्लोरर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ढेला का गेट दिखाई दे रहा है, ढेला जोन का गेट दिखाई दे रहा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ढेला जोन की सफारी करने। तो आज की हमारी सफारी है, इवनिंग सफारी है ढेला में। तो चलिए चलते हैं, अभी आगे हमारी जिप्सी है, युवराज भाई भी आ रहे होंगे। जैसे आ जाते हैं फिर चलते हैं हम लोग सफारी करने। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो हमारी सफारी शुरू होती है, हमारे ड्राइवर साहब युवराज भाई भी आ गए, हमारे गाइड साहब भी आ गए। तो गाइड साहब आप अपना जरा परिचय बताएं हमको। देखिए सर, आप लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम केशव सती है, मैं आपका गाइड। और देखिए आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क में वेलकम है, स्वागत है सर। थैंक यू। और आपकी जो सफारी कहाँ की सर? की सर की ढेला है ना, ढेला ढेला जोन है। आपकी सफारी स्टार्ट हो गई है सर, गेट से यहाँ पर से दो जोन चल रहे हैं, एक तो ढेला जोन है, आगे है झिरना जोन। तो आपकी ढेला जोन की सफारी स्टार्ट हो चुकी है। आपसे मतलब बाहर की साइड को मोबाइल पर्स वगैरह कुछ नहीं रखेंगे, आप अंदर की साइड को रखेंगे, ठीक है? कुछ खाने पीने का अगर लेके आए होंगे तो रैपर वगैरह बोतल वगैरह नीचे नहीं फेंकना है, जंगल में कहीं उतरना नहीं है। और थोड़ा सा लेफ्ट और राइट में ध्यान देना है आपने, जहाँ पर कुछ एनिमल्स दिखेगा वहाँ पर बोलना नहीं है, बातें नहीं करनी, मोबाइल से फोटो वगैरह खींचनी होगी तो खींच सकते हैं आप लोग। जी सर, ठीक है। और जंगल के बारे में कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। जी जी। तो ये ढेला जोन जो है इसका एरिया लगभग कितना बड़ा है? देखिए ढेला जोन का एरिया जो है छोटा जोन है सर। अच्छा, अच्छा। हाँ, थोड़ा ट्रैक कम है सर इसमें। अच्छा, अच्छा। जोन थोड़ा छोटा है और अभी 2011 में यहाँ पर गांव विस्थापन कर दिया गया है। गांव था पहले यहाँ पर लाल ढंग के नाम पे, गांव था, यहाँ से वो गांव 2011 में विस्थापन कर दिया सर। विस्थापन करने का कारण है जंगल में, देखिए इंसान अगर रहेंगे तो एनिमल्स को भी डिस्टर्ब होगा और इंसानों को भी डिस्टर्ब होगा, है ना? तो एक दूसरे पर हार्म करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे, दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, तो इंसान का भी उसमें नुकसान है और एनिमल्स का भी नुकसान है। एक चीज जानना चाहता था सर, जैसे हम लोग जंगल सफारी में जाते हैं। जी सर। टूटी फूटी सड़कें होती, ऑफ रोड होती, यहाँ पे तो हमको पक्की रोड दिख रही है। देखिए ये क्या कारण? देखिए ये पक्की रोड जो रोड बनी हुई है इसका कारण है गांव। अच्छा। जो गांव था जी, तो ये रोड जाने के, हाँ ये रोड वहीं तक बनी हुई है और गांव वालों के लिए ही बनी हुई थी सर। अच्छा, अच्छा। और ये आप ये जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं, ये बिजली के खंभे भी गांव वालों के लिए ही थे और वहीं तक है सर, क्योंकि और पक्का ट्रैक कहीं नहीं मिलेगा आपको। मतलब गांव के लिए बनी, गांव तब से पड़ी हुई है, तब से जब ये टूटेगी तो अपना भी टूटेगी, फिर बनेगी भी। हाँ मतलब तभी आप रोड हो जाएगी। जी जी जी। और देखिए यहाँ पर जो है एनिमल्स के जो पक्का जो ट्रैक है ना, एनिमल्स के क्रॉसिंग पॉइंट बहुत अच्छी है इस जोन में ना। अच्छा। जैसे डियर है, एलिफेंट्स है, टाइगर है ना, और एनिमल्स है, कई बर्ड्स हैं, तो बहुत अच्छा पॉइंट है और क्रॉसिंग एरिया भी बहुत अच्छा है। चलिए आज हमको जंगल घुमाइए, हम बिल्कुल बिल्कुल सर घुमाते हैं आप। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आप कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट टाइम आए सर? नहीं, हम कार्बेट कई बार आ चुके हैं, इसके पहले झरना सफारी भी कर चुके हैं। अच्छा, झरना सफारी भी। मैं दो दिन निकाला नाइट स्टे करके आ रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हो क्या रहा है, जंगल लोग देखने कम जा रहे हैं, जंगल रौंदने ज्यादा जा रहे हैं। जंगल रौंदने के साथ साथ सबके दिमागों में क्या है, जो बाहर से टूरिस्ट आता है ना सर, उसको ये है कि उसको जंगल नहीं घूमना है, उसको टाइगर देखना है। और इसमें खाली टूरिस्ट की कमी नहीं है, हमारे गाइड और ड्राइवरों की भी कमी। मतलब देखिए अब मैं फैक्ट बताऊं। हाँ जी। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है जी, सबसे पहला ये होता है हम कोशिश करेंगे आपको टाइगर दिखाने की। कुछ हलचल हुई थी सर, अगर जंगल एंजॉय करना हो तो जंगल घूमिए। बिल्कुल, जंगल और टाइगर देखना हो तो जू चले जाइए। हाँ बिल्कुल सही बात है सर।
ये तो घर है उनका, घर के अंदर ये कब कहाँ मिलेंगे कुछ नहीं बता सकता, ऐसा कोई नहीं बता सकता। अंदर वाली रोड है उसमें 2-2 सेकंड में पार हो जा रही, पतली रोड है इसलिए भी विजिबिलिटी कम है। ये है ना जैसे ट्रैक, ये रेला गांव के अपने ट्रैक है, ये अपने ट्रैक है उनका। जो आपने सवाल पूछा था ना गाइड साहब से रोड का, ये बिल्कुल सही बताया था इन्होंने, ये रोड उस टाइम में उस गाँव के लिए थी। देखो गाँव को तो बाहर उन्होंने रोड को नहीं तोड़ा, अब एक लंबे समय से रोड में कमर्शियल यूज नहीं है, कहने का मतलब इसमें गाड़ियां नहीं चल रही है, तो एनिमल के भी माइंड में बैठ गया है कि ये जंगल का ही पार्ट हो गया है। बाहरी गाड़ियां नहीं चल रही इसी वजह से रोड काफी दिन तक बची हुई है। जी जी बिल्कुल, अब ये रोड टूटेगी तो इसे गवर्नमेंट रिपेयर नहीं करेगी। एलिफेंट भी है नहीं सर ढेला में? एलिफेंट हाँ सुबह देखे थे। अच्छा, मगर ये है कि माइग्रेट बहुत करते हैं सर एलिफेंट ना। हाँ, कभी हमने सुबह जैसे देखे थे, क्या पता शाम को कहाँ पर दिखते हैं या डांस में। पर वो की इच्छा है देखते हैं। जैसे भोले भंडारी की इच्छा। ये है सर ग्रासलैंड ना, ढेला जोन के ग्रासलैंड ये हैं, और यहीं पर पहले गांव हुआ करता था। अच्छा। गांव वाले खेती वगैरह किया करते थे, अपना रोजमर्रा जिंदगी का जो साधन था खाने पीने का, साग सब्जी यहाँ उगाते थे, और यहाँ से फिर मार्केट कुछ ऐसा था कि कुछ लोग मार्केटों में जाके अपना जो है बेच भी काम दाम बेच भी थे, 2-4 पैसे आ गए तो अपना है ना। इनको जो रिलोकेट करते हैं तो इनको क्या जगह देते हैं? बिल्कुल गवर्नमेंट जगह दिया है। अच्छा। हाँ पैसा भी देती है गवर्नमेंट, कहाँ जाएंगे नहीं तो कौन दे रहा बाहर जगह। हाँ सही बात। देख रहे हैं रोड पे ना मंकी भी है और डियर भी है, देख रहे हैं आगे। जी 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 जी, टाइगर नहीं रहेगा ये कंफर्म। देखिए टाइगर क्या पता अंदर कहाँ बैठा है, मंकी जहाँ नीचे है। ऐसा मत कहिए कि वहाँ पर टाइगर नहीं है। अच्छा। हाँ टाइगर को देख के जब ही ये कॉल करेंगे जब वो माइग्रेट करेगा। अच्छा। जब उठियो कहीं चलेगा ना माइग्रेट करेगा तभी उसको देख के कॉल करेंगे, अगर टाइगर बैठ गया तो जंगल शांत हो गया। डिपार्टमेंट जला देता है, पिछले बार नहीं जलाया था, पिछले साल नहीं जलाया था, इस साल हो सकता है जला सकते हैं इसको, क्योंकि ये लैंटना बुसेस भी निकाल रहे हैं ना, ये जो खतरनाक है जंगल के लिए कैंसर है, इसको भी निकाला जा रहा, जड़ सहित निकाला जा रहा। लैंटेना को निकालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो जंगल बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल जंगल खराब। डियर बर्ड्स वगैरह ये सब यही खाती हैं, फिर भालू, भालू भी खाता है भालू। एनिमल्स का फूड है ना सारा, बेर जामुन बेल आंवला तेंदू। बिल्कुल जहाँ पे आप लोग उतर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। और ये एरिया कई दिनों से बंद था तो आपको खुद ही लग रहा होगा रास्ते को देख के। पेड़ गिरे थे ना अभी, आज ही खोला है, आज ही खोला है सर ये, आज ही खोला है। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे और थोड़ा यहाँ पे सुनने की कोशिश करेंगे, पता ढेरा गाँव में यही पार्ट है जहाँ आप उतर सकते हो, ठीक है, बाकी जगह नहीं। आप यहाँ देख सकते हो कि नाला है, कितने बड़े बड़े पेड़ जो है बारिश में बह के आए हैं, यानी बहाव कितना तेज रहा होगा, पूरा जड़ सहित देख रहे हैं पेड़ उखड़ के चले आए हैं। बाप रे, बरसात में पहाड़ों की नदियाँ जो होती हैं बड़ा विकराल रूप रख लेती हैं। ढेला जोन में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट जो है अपने व्हीकल से उतर सकते हैं, एकदम लास्ट में आकर के है। यहाँ एक वॉच टावर भी है, यहाँ पे अभी हम लोग नीचे उतरे हैं। किसका नाम सर? इसका जहाँ पर रुक के थी गाड़ी, जंगल मंगल करने की एक ही जगह है। हाँ। भाई उतर रहे हो तभी ना मंगल होगा। ये वाला रोड पिछले 1.5-2 महीने से बंद है, बरसातों में बारिश हुई थी, आधी वो तूफान चल रहा था तब से बंद थी।
मेला तो साल भर चलता है ना। हाँ, मेला जन्ना हैवी बारिश हो गई तो दो तीन दिन के लिए बंद कर देते हैं। ये समझ लो बॉर्डर ही है। अभी तो राइट जाना अलाउड है? नहीं नहीं, यहाँ को ज्यादा अलाउड नहीं है इधर को जाना। डेला जिरना जोन में आपको एंटी पोचिंग चौकियाँ ज्यादा मिलेंगी। अच्छा, क्योंकि बॉर्डर एरिया है ना, ये चौकियाँ सभी। हाँ, पोचिंग के डर से गवर्नमेंट इन एरियो पे, कॉर्बेट के इन दो जोनों पे ज्यादा निगरानी रखती है। गेट के बगल में ही था गांव, जो क्रॉस लैंड था वही डेला गांव था। अब वो यहाँ से हट गया? नहीं नहीं, जहाँ गेट है ना। हाँ, हाँ। गेट से बाहर की साइड है गांव, अभी ठेला गांव भी है। अच्छा, अंदर था वो लाल लहंग गांव। रोक थोड़ा सा, इससे दूरी बना लो, रोक दो, ना ना इसको जाने दो। जोन थोड़ी, तो सफारी जोन में घूम रहे हो आप। बफर तो वो है जो इससे बाहर जंगल है, जिसमें मेटल रोड है पूरी पक्की ना, जो गेट से भी बाहर है। ये सफारी हुआ, जहाँ हम नहीं जा रहे हैं वो कोर हुआ, यहाँ नहीं जा रहे हैं ये कोर है। आपके जहाँ तक निगाहें जा रही दिख रहा है वो कोर हो, वो कोर हो गया। और सीता बनी बफर नहीं, वो भी पूरा प्रॉपर जंगल है। वहाँ एनिमल ना दिखने का कारण है कि गवर्नमेंट ने सफारी के लिए वो रास्ता खोला है जो बहुत पहले सीता बनी जोन के अंदर जो विलेज है रामपुर, उस गांव का जो रास्ता है उसी रास्ते को इन्होंने सफारी ट्रैक बना दिया। ओके। और उसमें गाड़ियों की लिमिटेशन नहीं रही शुरू से। शुरू में कॉर्बेट का सारा लोड सीता बनी झेलता था। अच्छा। एक दिन की 200 गाड़ियां जाती थी। अरे बाप रे बाप। अब आप खुद सोचो, एक दिन की एक गेट में 200 गाड़ियां जा रही, तो एनिमल तो दूर दूर तक नहीं दिखना है। दूर दूर तक नहीं दिख। और वन वे है, एक गेट से घुसोगे दूसरे गेट से निकलोगे। ऐसा नहीं कि वहाँ टाइगर नहीं है, ऐसा नहीं कि वहाँ जानवर नहीं है, सब कुछ है, लोड बहुत। बट क्या है, जब से वहाँ गाड़ियाँ लिमिटेड हुई हैं कुछ एक दो साल से, वहाँ 50 गाड़ियाँ कर दी हैं। अब वहाँ पे हल्की फुल्की साइटिंग मिलने लगी है, ये कम होने से। उसमें समय लगेगा ना, समय लगेगा, एकदम नहीं होगा। अभी इसमें अंदर के रास्ते नहीं खोले इन्होंने, अंदर वाले अगर रास्ते खोलेंगे फिर धीरे धीरे और साइटिंग बढ़ने लगेगी। ये रहता है सीधा बनी में, तो बड़ा जब्बर टाइगर है। पहले इन लेला झिरनों में, झिरना जोनों में भी जब शुरू शुरू में ये रिलोकेट किए थे, यहाँ हिरन भी नहीं दिखते थे, बड़े मुश्किल से देखने को मिलते थे हिरन भी। सब धीरे धीरे बढ़ा है बाद में। नीचे को तो फाटो ही है पूरा। फाटो में जो साइटिंग है वो लास्ट में मई और जून में बस। अच्छा। जब यहाँ का पानी पूरा सूख जाता है ना, फाटो में दो बड़े वाटर हॉल हैं, मालकुंड वगैरह ना, वो इतने बड़े वाटर हॉल हैं कि एक कोने में टाइगर बैठा और दूसरे कोने में उसमें भैंस पानी पीती है। सच में पहली बार ऐसा कहीं देखा गया कि वहाँ टाइगर है और एक तरफ से भैंस पानी पी रही है उसमें। वो वन गुज्जर भी रहते हैं ना उस वाले जोन में, जंगल के अंदर। अच्छा। उन लोगों को अलाउड है ऐसा जानवरों को लेके अपने उस एरिया में। बड़ा वाटर हॉल होने की वजह से है फ़ायदा उसका, सिर्फ उसी टाइम में, उसके बाद साइटिंग वहाँ जीरो है। आगे पूरे साल कुछ मतलब हल्का फुल्का, मतलब ये उसे साइटिंग नहीं कहा जाता, इक्का दुक्का गाड़ी वो चीज़ है। काफी बड़ा क्रॉस लाइट है। बहुत बहुत बड़ा है। इतना का बड़ा क्रॉस लाइट है, इतना बड़ा झिरना में नहीं है। झिरना में है पर उसके बीच किनारों से रास्ता है, बीच में से नहीं है जैसे इसमें है ना। टिकाला का तो टिकाला ही बहुत है। बड़ी वाली एलिफेंट ग्रास, बड़ी वाली एलिफेंट ग्रास। गर्मी में तो पूरा बैठ जाती होगी नीचे, जला देते हैं। सर ये मैनमेड है ना, ये खुद डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ये जलाना जलाना जलाती है। यहाँ पे साइटिंग गर्मी में हो जाती है। हाँ हाँ, गर्मियों में तो बहुत अच्छी साइटिंग होती है। वाटर हॉल पे होती है साइटिंग, तो जहाँ पे जिप्सी पहुंची है उसके अंदर का वाटर हॉल है। गाड़ियां तो सर अब निकल गई होंगी, कॉल को सुन के कुछ गाड़ियां होंगी बस, बाकी गाड़ियां निकल गई होंगी। यहां अंदर की साइड थी कॉल, तो कैसे
कहाँ को निकलेगा ये टाइगर कोई पता नहीं है। टाइगर आ गया अरे नीचे को चले जाएंगे भाई बोल इतनी गाड़ियां हो गई ना उसका निकलने का भी मन होगा तो भी रुक जाएगा ना सर। हाँ। निकलेगा नहीं जब पता है ना थोड़ी देर बाद तो गाड़ियाँ चली जाएंगी बस अब सब गाड़ियाँ बाहर आ जाएंगी तब वो फिर आराम से निकलेगा। अभी 5 मिनट बिफोर था बेचारा सोचा कि गलत पर कॉल एकदम ही शुरू हो गई थी होने दना दन दना वहाँ पे भी और नीचे भी होने लग गई थी मोमेंट शुरू हो गया। फाइनली हम लोग अपनी सफारी कंप्लीट करके गेट पे आ गए। फाइनली हमारी ये सफारी ढीला की कंप्लीट हुई। कॉल तो एकदम लास्ट इन पे मिलने लगी। हम लोग थोड़ा सा दूसरे रूट से आए, एक आध दो गाड़ियों को साइटिंग भी हुई, हम लोगों को जिस रूट पे थे उस पे नहीं हुई। यहाँ मेन रोड पे आए यहाँ भी कॉल मिलने लगी, लेकिन टाइम बाउंडेशन होने की वजह से जंगल से बाहर निकलना था उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता तो बाहर आना पड़ा। तो बहरहाल ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आती तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।